आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले से उद्गमित पुण्य सलिला बैनगंगा का लखनवाड़ा तट पर शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को सुबह पौ फटने के पहले ही लोग पहुंचे और यहां पितृमोक्ष अमावस्या पर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन संपन्न हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या, पितृविसर्जन अमावस्या सनातन धर्मियों का एक धार्मिक पर्व है जिसे प्रत्येक घर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन सनातन धर्मी अथवा हिंदुओं में अपने पूर्वजों के निधन के उपरांत जिन्हें पितृ की संज्ञा दी गई है, पितर की संज्ञा दी गई है, उनके सम्मान में उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में और हिंदू धर्म में अपने से बड़ों के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव पाया जाता है। ये पर्व अश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व को पितृ पक्ष का समापन पर्व भी कहा जाता है। बैनगंगा के लखनवाड़ा तट पर आप देख सकते हैं विधि विधान के साथ आचार्यों के द्वारा यहाँ तर्पण कराया गया। तर्पण के उपरांत पितरों को विदाई दी गई। हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध या तर्पण करता है उसे पितृ अपनी संतानों के प्रति कल्याण की कामना एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक तथ्यों की जिसके अनुसार आत्मा का धरती से लेकर परमात्मा तक पहुंचने का सफर वर्णित है, लेकिन धरती पर रहकर पूर्वजों को खुश कैसे किया जाए, इसका आसान सा जवाब यही बताया गया है कि जब आपके वरिष्ठ परिजन जब धरती पर जिंदा है उन्हें सम्मान दें, जीते जी उनका सम्मान करें, उनको किसी तरह का दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि माता पिता दादा दादी जब तक जिंदा हैं और खुश हैं तो मरने के बाद उनके निधन के बाद भी वे आपसे उसी तरह खुश रहेंगे। आधुनिक दौर में माता पिता दादा दादी नाना नानी या अन्य वरिष्ठजनों को लोग बहुत उस तरीके से श्रद्धा भाव से नहीं रखते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, यह बात पूरी तरह गलत है और इनके निधन के उपरांत उनका तर्पण करते हैं, ऐसे में वे आपको आपसे प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन धरती पर आए पितरों को याद कर उनकी विदाई दी जाती है। पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद ना किया गया हो तो अमावस्या को याद कर उन्हें याद करके दान करने से, गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इसी दिन सभी पितर अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अन्न जल प्रदान करता है उससे प्रसन्न होकर पितर खुशी खुशी आशीर्वाद देकर यहाँ से इस लोक से गमन कर जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में किसी भी अमावस्या को जन्म लेने वाले पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण किया जाता है। जिन पूर्वजों का जन्म की तिथि अज्ञात हो, पूर्वजों की तिथि ज्ञात होने पर भी किसी समय पर किसी कारण से श्राद्ध ना हो पाए तो अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। जिनका निधन अकाल हुआ हो, जिनकी अकाल मौत हुई हो, उनका श्राद्ध भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर किया जा सकता है। नाना नानी को भी इसी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। पितृ विसर्जन अमावस्या का श्राद्ध पर्व किसी नदी या सरोवर के तट पर निजी आवास में कर सकते हैं, पर अगर आप सरोवर के किनारे करते हैं, नदी के किनारे करते हैं तो इसका पुण्य लाभ आपको ज़्यादा मिल सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बैनगंगा का तट आपको हम दिखा रहे हैं। बैनगंगा के तट पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से आचार्यों के द्वारा पितरों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पूजन पाठ कराया जा रहा है। ये देखिए घाट पर विभिन्न आचार्यों के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग घाटों पर बैठकर यजमानों से विधि विधान के साथ धार्मिक मान्यताओं के साथ पितृ तर्पण कराया जा रहा है और उसके बाद पितरों की विदाई भी यहीं उनके द्वारा कराई जा रही है। विधि विधान से अगर आप काम करते हैं, लोगों का कहना यह है कि भाव ही सब कुछ है, अगर आप भाव से सब कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
पितृ मोक्ष अमावस्या का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पितृ मोक्ष अमावस्या यहाँ पुण्य सलिला पैनगंगा के लखनवाड़ा तट पर ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और पितृ मोक्ष अमावस्या पर यहाँ देखिए गीता पाठ का आयोजन भी किया गया और गीता पाठ लगातार ही यहाँ जारी रहा। लोग यहाँ गीता पाठ, जिनके भी पितरों की जो भी तिथि होती है उस तिथि पर पितरों के द्वारा यहाँ पर गीता पाठ कराया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कितने सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जिनके पिता का निधन हो गया, या पिता के निधन के उपरांत आप पितृ श्राद्ध कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पितृ जो भी आप देवलोक गमन आपके परिजन कर चुके हैं उन सभी के लिए आप यहाँ पर तर्पण कर सकते हैं। सिवनी का सौभाग्य है, सिवनी शहर का सौभाग्य है, शिव की नगरी का सौभाग्य है कि शिव की नगरी के बहुत करीब से ही पुण्य सलिला बैनगंगा प्रवाहित होती है। नागपुर रोड पर भी बहुत करीब है, छिंदवाड़ा रोड पर ये लखनवाड़ा घाट दिखा रहे हैं हम। इसके अलावा प्रतापपुर घाट है, प्रतापपुर घाट के अलावा छपारा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे करीब देखा जाए तो प्रतापपुर घाट और लखनवाड़ा घाट है। इसके अलावा अगर आप छपारा जाते हैं तो सिवनी शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तादाद में सुबह सवेरे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एकदम सुबह का नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर पितरों को जल देने के लिए कितनी तादाद में लोग आए और आचार्यों के द्वारा बाकायदा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ पितरों का तर्पण कराया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 14 अक्टूबर शनिवार को शाम के समय दीपदान भी किया गया, माता बैनगंगा की आरती भी की गई। शाम का समय जैसे ही सूर्यास्त हुआ, ये देखिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शाम को सूर्यास्त के समय यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे और श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुँचने के साथ ही दीपदान किया गया, माता गंगा माता की आरती की गई। यहाँ गंगा माता की आरती आप देख सकते हैं, क्योंकि संचार क्रांति का योग है, लोग सेल्फी लेते नज़र आते हैं, लोग वीडियो बनाते नज़र आते हैं, लोग रील बनाते नज़र आते हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती दिखती है। ये देखिए गंगा माता की आरती और दीपदान का यहाँ नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता बैनगंगा की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी आशीर्वाद के कामना के साथ पितरों की कृपा बनी रहे, इसी आशीर्वाद की कामना के साथ पितृ मोक्ष अमावस्या पर दीपदान कर यहाँ श्रद्धालु लौटे। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।